ग्रामीण के घर शराब रखकर फंसाने की कोशिश करने का वीडियो वायरल हुआ। शिकायत के बाद एसएसपी पारुल माथुर ने पचपेड़ी थाने के 4 कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया है। महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के नशीले कफ सिरप, दवाई एवं सामान जब्त किया है। सभी आरोपी कोरबा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। रायपुर की एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट तथा थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम ने थाना मंदिर हसौद क्षेत्र अंतर्गत NH 53 रोड स्थित टोल नाका के पास नाकाबंदी कर महासमुंद की ओर से आ रही एक कार को रोककर उसमें सवार 2 आरोपियों को पकड़कर गांजा जब्त किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ रायपुर छत्तीसगढ़ ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश भर से आई मितानिनों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मितानिन संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि हमारी मांगे जायज हैं। बिलासपुर की सिरगिट्टी थाना पुलिस ने गाड़ी धीरे चलाने की बात पर व्यक्ति को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने वाले बाइक सवार एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को यदुनंदन नगर सब्जी बाजार के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत तिगड्डा चौक के पास अलग अलग कंपनियों के अनेक मोबाइल फोन बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे 2 आरोपी को पुलिस ने पकड़कर उनके पास से 2,50,000 रुपए कीमत का 24 नग मोबाइल जब्त किया है। रायगढ़ जिले के थाना चकद्दर नगर में शाम एक ऐसा प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया जहां बात बिगड़ने पर सिरफिरे आशिक ने चाकू और पत्थर से युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना को अंजाम देकर प्रेमी युवक मौके से फरार हो गया। नगर निगम भिलाई के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रिकेश सेन के घर पर आग लग गई। व्यवसायी नगर के सरकारी अस्पताल के पास स्थित EWH 632 स्थित मकान में यह आग शनिवार को रात तकरीबन 8:30 बजे लगी। आग की लपटें देखकर लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। कांकेर जिले के चरामा थाना क्षेत्र में युवक ने रुपए के लेन देन पर विवाद में अपने दोस्त पर चाकू से हमला कर हत्या करने का प्रयास किया है। युवक गंभीर रूप से घायल है जिसे ICU में भर्ती किया गया। इधर आरोपी युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलोदा बाजार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे के पहले खनिज विभाग ने पल्लारी थाना क्षेत्र में सेमरिया रेत घाट से लगे चंगोरी में रेत का अवैध खनन कर रहे चेन माउंटेन मशीन को जब्त किया है। अंबिकापुर नगर से लगे ग्राम श्रीगढ़ के पहाड़ में अवैध खनन की शिकायत पर शनिवार को कलेक्टर के निर्देश पर आखिरकार राजस्व विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी। अवैध खनन में लगी पोकलैन मशीन को जब्त कर जमीन के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है। बिलासपुर जिले के सिरगट्टी थाना क्षेत्र में बाउंड्री वॉल के बाहर से सुरंग बनाकर फैक्ट्री के अंदर स्टोर रूम से इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी करने वाले 3 आरोपी समेत एक खरीदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 नग इंडस्ट्रियल मोटर जब्त की है। मादक पदार्थ गांजे की बिक्री के लिए उसका परिवहन कर रहे 2 आरोपी को कांकेर जिले की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर गांजा परिवहन में प्रयुक्त बिना नंबर पल्सर मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को बलौदा बाजार जिले की सुहेला पुलिस ने रायपुर से धर दबोचा है। पुलिस के अनुसार लोहारी निवासी प्रकाश बह पकड़िया ने पुलिस में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की रकम वसूली है जिस पर उसे गिरफ्तार कर सुहेला लाया गया।
नंदनी थाना क्षेत्र के ग्राम बानबरत में एक बंद पड़ी डेयरी में चोरी करने वाले आरोपी को नंदनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी धीरे धीरे वहां से सामान चोरी कर रहे थे। डेयरी मालिक को इसके बारे में पता चला तो वो खुद ही वहां पर छिपकर निगरानी करने बैठा और आरोपियों को धर दबोचा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शनिवार को इंडिगो की रांची से कोलकाता जाने वाले विमान में उड़ान भरने के दौरान अचानक एसी में विस्फोट हो गया। इसके बाद धुआं उठने लगा। इससे विमान में बैठे बीएसपी के 8 अधिकारियों समेत 60 यात्रियों की जान पर बनाई थी। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर क्षेत्र के चलगली में 6 माह से अधिक समय से चल रहे अवैध पेट्रोल पंप को खाद अधिकारी ने सील कर दिया। यहां यूपी व पंजाब वाले स्थित एक पेट्रोल पंप से डीजल और पेट्रोल लाकर बेचा जाता था। रायपुर नगर निगम मुख्यालय के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला प्रदूषण बोर्ड की टीम के साथ मिलकर गोल बाजार बंजारी रोड में स्थित 7 दुकानों की जांच के दौरान लगभग 200 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन की जब्ती के साथ दुकानों के संचालकों से 20,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। राजधानी रायपुर के धरसीमा थाना क्षेत्र में इन दिनों लुटेरों का आतंक फिर से शुरू हो गया है। बेखौफ हो चुके लुटेरों ने शनिवार की शाम 7 बजे सबसे व्यस्त रहने वाले साकरा में 6 लाइन के किनारे सर्विस रोड के पास चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया। होटल कर्मी के पेट में चाकू से वार कर मोबाइल और नगद रकम लूटकर आरोपी फरार हो गए। स्क्रैप नट बोल्ट बेचने का झांसा देकर बिलासपुर के मसानगंज मस्जिद गली निवासी ताज ट्रेडर्स के मालिक मोहम्मद फिरोज से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले काजी फजुल्ला अंसारी ने 23,50,000 रुपए की ठगी की है। रकम देने के बाद भी सामान नहीं मिला तो उन्होंने धोखाधड़ी का पता चला। संचालक की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोर्ट ने आला अधिकारियों को तत्काल अपना पक्ष रखने को कहा है।